कर लिया। कर लीजिए पहचान शेर खां, आज तने समझाऊं। अच्छा है तो नाते किसान तेरी में कसम खुदा की खाऊं। है तो नाते किसान तेरी में कसम खुदा की खाऊं। कर लीजिए पहचान शेर खां, कर लीजिए पहचान शेर खां, आज तने समझाऊं। है तो नाते किसान तेरी में कसम खुदा बदबू आ रही है सेंट की खुशबू। हेलो हजूर, ये खुशबू है? कोई गलत खाना तो नहीं खा लिया तने? जो तो चलता है छोटे बड़े का कभी कभार। अच्छा तू भी खावे की? तू मेरी बात सुन। शेर खां इस्लाम धर्म का क्यों अपमान करे से, बदनाम करे से। ये पांचों टेम ने बात पढ़ू मने जो बदनाम करे से। भरी सभा में सतियों की जतनी लांग करे से, है सच्चाई ये मुसलमान ना छोटे काम करे से। We'll be right back.
और साथ में क्या कहता कि नटनी, नाचने वाली नटनी। लेकिन शेर खां, मैं कोई नाचने वाली नहीं हूँ। देखो दरबारी देखो, देखो देखो, अरे तुम भी देखो, तुम भी देखो, तुम भी देखो, ये कोई नाचने वाली नटनी नहीं है, ये तो कोई बादशाह की बेगम है। हे अल्लाह, हे मेरे मौला, हे मेरे आमीन, आज आज एक हिंदू वाली औरत मुसलमानी हो रही है, तुझे जन्नत नसीब मिलेगी। मुझे नहीं हो रही कोई मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं, एक बार जन्नत में आके दे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, रुचि हमारे नेत्रपाल के नहीं है ये सर, कोई बात नहीं। अरे मूछ पाड़ के बेईमान तेरी, मूछ पाड़ के बेईमान तेरी, दाढ़ी न मुंडवाऊ तेरी कोड़ी की, तेरी कोड़ी की औकात नहीं, धक्के मार भगाऊ बोला दे किसान तेरी, मैं कसम खुदा की खा किसान तेरी, मैं कसम खुदा की खाऊं। अब ले भाई, अब मैं अगर तोड़ ही कर दूं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जी महाराज कि शेर खान कहीं तक अपनी बात पे सच है। इस मुकदमे में कोई दमदारी हमें दिख नहीं रही है, इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शेर खान निर्दोष है, इसलिए इस मुकदमे से हम शेर खान को बाइज्जत बरी करते हैं। नहीं महाराज, देखा बादशाह का जोहर, एक नाचने वाली। तेरा अंतिम समय आ चुका है शेर खान। हाँ। महाराज अभी मेरा टाइम पूरा नहीं हुआ, अभी दो मिनट बाकी हैं। जब तू आठ मिनट में कोई सबूत नहीं दे पाई तो दो मिनट में क्या कर लेगी? दो मिनट में तो मैं बहुत कुछ कर दूंगी महाराज। हजूर इसे मैं फांसी पर चढ़ा दूंगी दो मिनट। हजूर ठहरिए, अब लगता है मुझे मेरी नवाज का टाइम हो चुका है। दो मिनट उसमें निकल जाएंगी, पढ़ ले। अल्लाह, ओ शेर खान, ये नमाज है ना अपने घर जाकर पढ़िए, खड़ा हो पहले तो। ये जो करियो हम तो ऊपर ही पढ़ियो नमाज। हाँ। अब तेरा टाइम आ चुका है, अब सच सच बता, क्या तू मुझे जानता है? बिल्कुल नहीं। पहचानता है? बिल्कुल नहीं। फिर तूने भरी सभा में ये कैसे कह दिया? कहे कहे नाचने वाली कहे। फिर तूने परी सभा के अंदर ये कैसे कह दिया कि पृथ्वी सिंह की पत्नी की बाई जान पर दिल का निशान है? पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो, पकड़ लो महाराज, पकड़ो, पकड़ो, यहाँ यहाँ आजा आजा जल्दी। वहाँ भक्के कहाँ जा रहा है भाई? हजूर। हाँ। टूक ले ले। मुझे दरबार से छुट्टी चाहिए, रुख्सत चाहिए। इधर। इतनी जल्दी तुझे दरबार से छुट्टी चाहिए, रुख्सत चाहिए, क्या हो गया? मेरी सलमा बीमार है।
कांप क्यों रहा है तू? सलमा बीमार है? ये सलमा कौन है? मेरी बीवी, मेरी घरवाली। तूने अपनी घरवाली का नाम रजिस्टर में नाजिया लिखवाया हुआ है? वो भी है। अबे कितनी बीवी है तेरे? सात। सात बीवी है और बच्चे? साढ़े इक्कीस। अबे उल्लू या तो 21 बता या 22। हजूर साढ़े 21। साढ़े 21 बच्चे नहीं हो सकते। अच्छा ये बात बता। जी हजूर। निकाह हुए कितने दिन हो गए? 2 वर्ष। अबे 2 बरस में 21 बच्चे, वो औरत है या बकरी है जो 3 महीने में बालक हो जाता है? हजूर अल्लाह ताला मेहरबान है। चुप। उस पाक अल्लाह का नाम अपनी जबान पे लिया ना, तेरी गर्दन उधेड़ दूंगा। तू तो कहता था कि मैं किरणमयी के महल में 1 महीने रह के आया हूं, क्यों बे नीच? अब बोल। हजूर ये किरणमयी नहीं है, उसकी बहन हो सकती है। मेरी कोई बहन वहन नहीं है, ये किरणमयी है, ये छत्रानी किरणमयी है जिसको तूने आरोपित किया था, कलंकित किया था। अब बोल, फांसी पे चढ़ाऊं? हजूर अल्लाह के वास्ते इस गरीब पे दया करो। क्यों दया करे? छोटे छोटे बच्चे हैं हजूर। कितने छोटे बच्चे हैं तेरे? ये क्या है बे? हजूर रोकिए रोकिए, रोक लीजिए। पर क्या है मेरे भैया दिखे? ये क्या है तू ये जो कर रहा है? हजूर जब मैं सुबह दरबार के लिए आ रहा था, हाँ, तो मेरी बीवी दर्द से पीड़ित थी। अच्छा एक बीवी? जी हाँ। और चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगा रही थी। क्या कह रही थी? अल्लाह। यानी कि वो गर्भवती है, उसमें बच्चा होने वाला है। तो शेर खान अब तू अपनी बीवी की बिल्कुल भी चिंता मत कर। हजूर हाँ। बहुत कष्ट पड़ रहा मेरी बीवी। अब तू अपनी चिंता कर, बोल बता किस मौत मरना चाहता है? नटनी जी तुम्हारे हाँ? बच्चे हैं? अभी नहीं है। कोशिश करके देखी। सुन बोल किस मौत मरना चाहता है? हजूर मैं तो मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन बेटा मरना तो अब तुझे पड़ेगा। अब तो मरना पड़ेगा तुझे। मार दिया जाए? नहीं। मार दिया जाए? नहीं। या छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? अरे बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? अरे बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? ओ बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? जाम दिया जाए या जहर दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? सुपुर खान। कहिए हुजूर। क्यों बे नालायक? जी हुजूर। ए काले खान। जी हुजूर कहिए। इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। ए जुमले खान खड़ा हो, इसे इधर से गिरफ्तार कर लिया जाए, कस लिया जाए इसे। और अब ए तसुबुर खान ऐसे नहीं, एक मुसलमान की सबसे बड़ी बेइज्जती होती है। हुजूर आप कहो तो इसको ऐसा कर दूं जो ये 7 जन्म तक बच्चे पैदा नहीं कर सकता। एक मुसलमान की सबसे बड़ी बेइज्जती होती है जी, उसके सिर की टोपी उतार लेना। ये बात क्यों बे निर्लज्ज? अब भी जिंदगी जिएगा? बोल। हजूर जब सच्चे मुसलमान की टोपी चलेगी, हाँ इज्जत चलेगी, हाँ आज एक प्रण लेता हूँ, एक प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या प्रतिज्ञा? आज राज के बाद
मैं अपने तन पर कोई कपड़ा नहीं रखूंगा। अच्छा ए शेर खान, शेर खान, शेर खान, क्यों बे शेर खान बेटे इतनी तावल मत कर वरना पेट्रोल के फोए तैयार हैं कपड़े उतारने। जेनी बाबा बन के रहेगा अगर कपड़े नहीं पहनेगा तो। अब तेरा भूत उतरने वाला है, चल्ला दो कि फांसी तैयार की जाए, बहुत जल्दी से फांसी पे लटकाना है। जो आज्ञा हुजूर, जो आज्ञा हुजूर। हुजूर इसे भाले की चोंच से मारेंगे। ठीक है प्यार कर